वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि अपने चैनल पर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन जानकारी मैं देता रहता हूं, और इसके साथ साथ मेन ये जो हमारा चैनल है वो बॉटनी और बायोलॉजी से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं, वो अपलोड करता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है उसकी जानकारी मैं आप सबको देने वाला हूं, और MA MSc MCOM से रिलेटेड है, यानी कि कुल मिला के अगर कहा जाए तो ये PG से रिलेटेड नोटिफिकेशन है। ठीक है, जिसका डर था वही हुआ। अब किसका डर था वो अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं। साथ ही साथ इसी वीडियो में सिलेबस, UIN नंबर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में भी कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, हमारे साथ बने रहना है और वीडियो को अच्छे से देखते रहना है ताकि सारी जानकारी आपको अच्छे से मिल सके। पहली बार जुड़ रहे हैं तो ऐसे ही नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, कुछ दिन पहले ही हमारा एक वीडियो आया था जिसमें हमने ये बताया था कि MA MSc MCOM यानी PG के कोर्सेज जो भी हैं वो नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर वाइज हो जाएंगे, यानी 2023 में। आपने कुछ लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि MA MSc के कोर्सेज यानी PG के कोर्सेज वो सभी सेमेस्टर वाइज हो गए हैं। अब आपके मन में सवाल ये उठेगा कि कैसे पता चलेगा कि सेमेस्टर वाइज हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो आप लोगों को ये जानकारी होगी, अगर आपने बैचलर डिग्री प्राप्त कर ली है तो आपको इस बात की जानकारी ज़रूर होगी कि एक आपका UIN नंबर होता है। सो गाइस, UIN नंबर कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे UIN नंबर बनाते हैं यानी निकालते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। साथ ही साथ उसी स्थान पर आपको ये भी मैं बता दूँगा, यानी कि आपको दिखा दूँगा कि जो भी कोर्सेज हैं PG के वो सभी सेमेस्टर वाइज हो गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप टाइप कर लीजिएगा शॉर्टकट में राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी UIN रजिस्ट्रेशन, इसी पे आप इसको टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, आइए उसके बाद डेस्कटॉप मोड पे, यहाँ पर आप डेस्कटॉप लिखा है, डेस्कटॉप साइट, इस पर आप टच कर दीजिएगा जिससे कि ये डेस्कटॉप मोड पर हो जाए और कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इस तरीके से फाइल ओपन हो जाएगी। अब आपको इस पहले वाले लिंक को ओपन कर देना है, इसी को। ठीक, चलिए, UIN लिखा हुआ है, यहाँ पर आप टच कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, लिखा है यही स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिए, इसी तरीके से आप UIN नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, लिखा है प्री रजिस्ट्रेशन फॉर फीस पेमेंट, पहला रजिस्ट्रेशन आपको करना है फीस पेमेंट के लिए, दूसरा आपको रजिस्ट्रेशन करना है पर्सनल डिटेल के लिए, यानी कि दूसरा स्टेप होगा पर्सनल डिटेल जिसमें आपको अपना डालना होगा। फिर उसके बाद लिखा है एजुकेशनल डिटेल डालना होगा, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर ये आपको फिल करना होगा, फिर फाइनल सबमिशन होगा, देन टेक प्रिंट ऑफ ई रिसिपिएंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ये 6 स्टेप में UIN नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब एक साइड में यहाँ पर और दिया हुआ है, आपको अभी मैं दिखा दे रहा हूँ कि सभी कोर्सेस सेमेस्टर वाइज हुए हैं या नहीं, यही हमारा काम है इसमें बताने का, इस वीडियो में। इफ़ यू प्री रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीट एंड पेमेंट इज नॉट डन, अगर आपका ये डन नहीं हुआ है तो आपको पहले वाले पे टच कर देना है ऐसे। ठीक है, यदि ऐसा हुआ है, आपने पेमेंट कर दिया है, तो आपको क्या करना है, इफ़ यू प्री रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट इज कम्प्लीट, तब क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर, DOB, ये सभी आपको इसी में फिल करते जाना है। ठीक, ऐसे भी आप अपने एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। चलिए, UIN नंबर कैसे बनाते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए हम आपको पहले ये नीचे लिखा हुआ स्टेप, फर्स्ट स्टेप से ही अगला स्टेप आएगा। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, प्री रजिस्ट्रेशन फॉर UIN नंबर, उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं BA, BSc, BCOM, BBA, BCA, BSc AG सभी सेमेस्टर वाइज कोर्सेज हो गए हैं, पहले से ही हो चुके हैं। ठीक, MA MSc MCOM के कोर्स नहीं हुए थे, लेकिन अब वो भी हो चुके हैं, कैसे पता चलेगा, आइए इसी को टच करते हैं, इस लिंक को ओपन कर लीजिए। जैसे आप ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से फाइल ओपन हो जाएगी,
यहाँ लिखा हुआ है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, UIN नंबर का फुल फॉर्म होता है। ठीक, पहले आपको क्या करना है देख लो, अपना नाम भरना है, मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे, देन उसके बाद ईमेल आईडी, DOB यानी डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी आपकी क्या है वो डालना होगा, आधार कार्ड नंबर, ठीक है, फादर नेम, मदर्स नेम, और यहाँ पर आ जाइए। अब यहीं पर पता चल जाएगा, देखते जाइएगा, बस देखते जाइए कि आपके जो कोर्सेज हैं PG के वो सेमेस्टर वाइज हुए हैं या नहीं हुए हैं। बहुत सिंपल में आपको करना क्या है, इस स्थान पे टच करना है कुछ इस तरीके से, लिखा है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, आप PG करने जा रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट। चलिए पोस्ट ग्रेजुएट आपका करते ही क्या हो जाएगा, कोर्स अप्लाइड फॉर, किस कोर्स के लिए आप अप्लाइड कर रहे हैं अभी देखते जाइएगा। जैसे आप इस पर टच करेंगे ऐसे ही दिख जाएगा MA के कोर्सेज सभी, लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट सेमेस्टर, इसका मतलब क्या होगा कि सभी सेमेस्टर वाइज हो गए हैं। और इसी के माध्यम से आप अभी ये भी जान जाएंगे कि आपको मीन्स UIN नंबर कैसे बनाना है। ठीक, देख लीजिए सभी MA के कोर्सेस, और इसके बाद आगे ऐसे बढ़ते जाइएगा, MSc बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर, केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर, माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर, सभी MSc के कोर्सेज भी सेमेस्टर वाइज हो गए हैं दोस्तों, ऐसे ही। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि आप इस बात का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो वार्षिक होने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं, सेमेस्टर वाइज होंगे। यानी अब आपका 4 सेमेस्टर हो गया है, टोटल सेमेस्टर 4, यानी ईयर 2 ही होंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, लेकिन सेमेस्टर 4 होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद कह रहा है, हैव यू कम्प्लीटेड योर UG PG फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगर आपने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से ही UG PG कम्प्लीट किया है तो यस कर दीजिएगा, और नहीं किया है तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पर गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। फिर लिखा है फीस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसके लिए फीस आपको पे करना होगा 100 रुपये, खुद से अगर कर रहे हैं तो भी, तो आप सबमिट कर दीजिएगा। आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद आपको गूगल पे, फ़ोनपे या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, किसी से भी आपको 100 रुपये फीस पे करना होगा, जिससे कि आपको आगे चलकर अगले स्टेप में बढ़ना होगा। ठीक है, आफ्टर फीस पेमेंट। सो गाइस, इसी तरीके से आपको यूनिक आईडी प्राप्त हो जाएगी, और ये भी आपने देख लिया कि सेमेस्टर वाइज हुआ है या नहीं। तो दोस्तों यहीं पे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला जो वीडियो होगा, नोटिफिकेशन होगा, जल्दी आपके सामने प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।